नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु। तो भाई फाइनली नोट 8 और नोट 8 प्रो इंडिया में लॉन्च हो चुका है। काफ़ी अग्रेसिव प्राइसिंग में दोस्तों दोनों लॉन्च हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों MIUI 11 भी ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है इंडिया के लिए। यहां पर दोस्तों अगर आपके पास Redmi का कोई भी फ़ोन है तो आप डेफिनेटली वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि Redmi के सभी फ़ोनों के लिए दोस्तों MIUI 11 यानी कि MIUI 10 का जो अपग्रेड आपको देखने को मिलने वाला है और कौन से फ़ोन में कितनी तारीख को दोस्तों मिलने वाला है आपको अपडेट, तो ये मैं आपको पूरी चीज़ें क्लियर कर दूंगा एक ही वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आपको चार बैच में ये आपको अपडेट देखने को मिलेगा MIUI 11 का। सबसे पहला दोस्तों आपको अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है 22 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक के बीच में, यानी कि इन अभी इसी महीने में आपको इन फ़ोनों में अपडेट देखने को मिलेगा। जो फ़ोन दोस्तों इसमें शामिल किए गए हैं पहले बैच में वो हैं पोको का F1 जो कि अच्छी बात है, रेडमी का K20, रेडमी का Y3, रेडमी का 7, रेडमी का नोट 7 और रेडमी का नोट 7S और रेडमी का नोट 7 प्रो, यानी कि रेडमी की नोट सीरीज है 7 वाली, वो यहाँ पर पूरी क्लियर कर ली है। Y3 भी क्लियर कर लिया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो अच्छी तरह से। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड बैच आएगा वो है 4 नवंबर से लेकर 12 नवंबर के बीच में। यहाँ पर आपको रेडमी का फ्लैगशिप किलर K20 प्रो में अपडेट देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही रेडमी की जो 6 सीरीज है वहाँ पर भी आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर नोट 6 प्रो को इंक्लूड नहीं किया गया है सेकंड बैच में, ये बात आप ध्यान रखना। इसके अलावा रेडमी का जो 6A है जो बिल्कुल बेस वाला आपको फ़ोन देखने को मिलता है उसमें भी, और रेडमी की नोट 5 सीरीज को भी यहाँ पर इंक्लूड कर लिया गया है। यहाँ पर नोट 5 प्रो को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, रेडमी का 5A, साथ में रेडमी की जो Y1 है और Y2 है ये वाली सीरीज भी रेडमी की Y यहाँ पर कवर कर ली है। इसके बाद जो थर्ड बैच है दोस्तों वो है 13 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच में। यहाँ पर दोस्तों रेडमी का 7A आपको इसमें अपडेट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा रेडमी की जो 8 सीरीज है, रेडमी का 8A और रेडमी का 8 जो कि अभी लॉन्च हुए हैं फिलहाल, वहाँ पर आपको MIUI 11 देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा रेडमी का नोट 8 जो कि अभी लॉन्च हुआ है यहाँ पर भी आपको अपडेट जब भी देखने को मिलेगा, और रेडमी का नोट 6 प्रो यहाँ भी दोस्तों आपको तीसरे बैच में ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो लास्ट बैच आएगा इसका वहाँ पर 18 तारीख से लेकर 26 दिसंबर के बीच में आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा रेडमी के नोट 8 प्रो में। अब आपके मन में कन्फ्यूजन है कि नोट 8 प्रो में भाई इतना लेट क्यों आएगा, तो भाई नोट 8 प्रो में डायरेक्ट ही आपको एंड्रॉयड 10 का अपडेट देखने को मिल जाएगा, इस वजह से थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन MIUI जो 11 है काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे और बिल्कुल आपको अच्छी UI अब की बार देखने को मिलेगी, बहुत ही इंप्रूवमेंट दोस्तों उन्होंने कर दिए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, आप अपनी राय दोस्तों जरूर देना। इसमें इतने अगली वीडियो में फिर मिला, तब तक के लिए जय जय भारत।